यार दो सब्जेक्ट उठाते हैं तो बाकी के दो सब्जेक्ट्स छूटते हैं, लेक्चर करते हैं तो रिवीजन और प्रैक्टिस छूटती है, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, एक सब्जेक्ट पकड़ते हैं दूसरा भूल जाते हैं। ऑल ऑफ दीज आर नॉट माई डाउट्स, ऑल ऑफ दीज आर द क्वेश्चंस और द टेंशंस दैट आर कमिंग फ्रॉम माई बैड स्टूडेंट्स। हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने एक तरीका स्टार्ट किया बच्चों से यू नो कनेक्ट करने का। ऑफ कोर्स लाइव क्लासेस होती है जिसमें बच्चे डेली बात करते हैं, देन डाउट सपोर्ट है जिसमें बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, बट देन आई गिव देम एन अपॉर्चुनिटी एंड बेनिफिट टू कॉन्टैक्ट विद मी थ्रू ऑडियोज एंड आस्क वॉट स्ट्रैटेजी दे शुड यूज नाउ और वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग वाया ऑडियो नोट्स आवर बैड स्टूडेंट्स। तो इतने सारे सवाल लगे और सब सवालों का एक ही कंक्लूजन था, जो कंक्लूजन मैं इस वीडियो के बताने वाली हूँ, दैट हाउ डू यू प्रैक्टिकली स्पीड अप योर प्रिपरेशन एंड वॉट टाइप ऑफ प्रिपरेशन यू शुड डू विच मेक्स सेंस फॉर द नेक्स्ट 90 डेज। इफ दिस इज योर प्रॉब्लम और योर प्रॉब्लम इज इन एंड अराउंड दिस टॉपिक, देन कीप वॉचिंग टिल द एंड, स्टिक टू दिस वीडियो इन शॉर्ट। I just expect one thing from you, rather two things from you. Number one, please write down, I will pass June 2024 exams, and I'm sure you will pass, because the more we write, the more we send signals to our brain, right? And number two, if you want to do something for our channel, please like it so that it reaches more and more people. Now let's jump in. Okay, so I will summarize whatsoever I have sent in audios to all these students. लेट्स सपोज समबडी इज टेलिंग मी कि मेरी पढ़ाई अभी अच्छे से हो नहीं पा रही है, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, आई एम अनसर्टन दैट विल आई बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस टिल माई एग्जाम्स आर नॉट, आई जस्ट नीड सम काइंड ऑफ मोटिवेशन और कुछ मुझे आश्वासन चाहिए कि हो पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो देखो यार सिंपल सी बात है, टू स्ट्रैटेजीज। नंबर वन, फिगर आउट वॉट आर द गुड सब्जेक्ट्स फॉर यू, वॉट आर द स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स फॉर यू। लेट्स सपोज इट्स अकाउंट्स एंड इट्स लॉ, लेट्स सपोज इट्स अकाउंट्स इट्स इकोनॉमिक्स, इट्स अकाउंट्स एंड मैथ्स, वॉट्स एवर, इट कुड बी एनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन। सो टू सब्जेक्ट्स मिनिमम दैट आर ग्रेट फॉर यू। इफ दे आर नॉट ग्रेट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यू शुड मेक इट ग्रेट, बिकॉज लेट्स सपोज यू प्रिपेयर ऑल दिस फोर सब्जेक्ट्स ऑन एन एवरेज लेवल टू एन एवरेज लेवल, पासिंग विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सो फॉर मी लेट्स सपोज अकाउंट्स इज गुड टू मी, मैथ्स इज गुड टू मी, और मे बी इकोनॉमिक्स इज गुड टू मी, अकाउंट्स इज गुड टू मी, आई विल मेक श्योर राइट इट डाउन कि इनमें मेरा टारगेट एटलीस्ट 90 है। वेन आई से 90, स्टूडेंट गेट्स 70 और 80, तो ये होना ही चाहिए। इससे किसी दो सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में बुरे नंबर आएंगे, सिर्फ 40 आएंगे, उससे आप पास होने नहीं वाले हो, तो वो उसको उठा दे जाएगा, 200 के टारगेट को क्रॉस करवा जाएगा, राइट। और हाँ, टारगेट को अभी 300 रखना है यार, 300-350 होना चाहिए टारगेट, बहुत टाइम है, 200-200 का टारगेट से कोई पास नहीं होता। तो ये पहली स्ट्रैटेजी कि कौन से वो दो सब्जेक्ट है जो मुझे अच्छे से करने ही करने हैं, इसमें नो क्वेश्चन आस, दो मिनिमम होने चाहिए। एंड नेक्स्ट है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स को संभाले कैसे, लेक्चर बचा है, रिविजन बचा है, ब्ला ब्ला सब कुछ बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी, आपको अपने दिन को या फिर अपने हफ्ते को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या होता है ना, चार सब्जेक्ट है, पहले तो और सब्जेक्ट्स थे, चार सब्जेक्ट है, उनका रिवीजन भी है, उनके लेक्चर भी है, सब कुछ है, एक साथ नहीं हो सकता, मल्टीटास्किंग किल्स प्रोडक्टिविटी। तो मैं कहूँगी कि व्हाई डोंट यू डिवाइड योर वीक, एंटायर वीक इनटू टू पार्ट्स रादर, 80-20। सो मंडे टू फ्राइडे व्हाई डोंट यू जस्ट गिव इन योर 10 और 12 आवर्स एंड जस्ट डू द लेक्चर्स। Do the lecture. If you're someone who is lagging behind in syllabus, you must do it. 12 बोलूँगी तब जाके बच्चा 8-10 पढ़ेगा, आई नो। 8 बोलूँगी तो 5 ही घंटा पढ़ेगा, जो कि अब नहीं होने वाला। People are into it, लोग बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चों से टच में हूँ जो 12-12 सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, दैट्स इट। कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, राइट। तो वाई कांट वी डू मेक इट अ टाइम। अब टाइम टेबल अपना बनाओ, माइक्रो लेवल पे अपना कुछ गेम चेंज करो, माइक्रो लेवल पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ कि मेरे को अगर एक दिन में चार सब्जेक्ट के लेक्चर या फिर 3 सब्जेक्ट के लेक्चर उठाने हैं, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे मेरे को सुबह से 12 बजे तक, 12 से 2 बजे तक कितने लेक्चर कंप्लीट करने हैं। तो माइंडफुली लेक्चर्स देखो, ये नहीं कि बस उड़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ये नहीं देख रहा कि तुमने लेक्चर उड़ाए हैं या फिर तुम्हें याद है उसको, तो बस आंसर सॉल्व करवाना है 3 घंटे में, राइट। अभी रिवीजन नोट्स हमने आपको दे दिया है, तो मेरे बैच के बच्चों को रिवीजन की तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप कहीं और से, तो आपको रिवीजन नोट्स बनाने पड़ेंगे, वरना बिना रिवीजन नोट्स के कुछ नहीं होने वाला। ICAI के स्टडी मैट से कभी पढ़ाई रिवाइज नहीं होता है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। अभी आपने वीकेंड पे सैटरडे और संडे को और मेहनत करो, और वीकेंड को आप उन सभी चीज़ों को लॉक करो जो आपने पढ़ा है रिविजन नोट्स से, प्रैक्टिस मटीरियल से, रिवाइज कर करके, याद कर करके, प्रैक्टिस कर करके, सो दैट जब आप वीक नंबर 2 में जा रहे हो फिर से फ्रेश लेक्चर्स करने के लिए, यू आर नॉट कैरिंग फॉरवर्ड एनी बर्डन। तो ये मैंने आपको दो स्ट्रैटेजी बता दी है, ठीक है। इसके अलावा आई थिंक एक होता है ना 80-20 प्रिंसिपल, कि 80% वहाँ से आता है जो आ चुका है, या फिर 80% पता है लोगों को कि ये चीज़ें आती हैं, तो वेटेज के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अगर लाइव नहीं कर रहे हो, अपनी रिकॉर्डेड कर रहे हो, तो वेटेज के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करो, राइट। कि यार ये हैवी वेटेज है, ये चीज़ें आ चुकी हैं इस चैप्टर में, ये RTP के हैं, ये MTP के हैं, तो जो कोर हैं 80% उसको करके जाओ।
इट्स नॉट 80%, इट्स एक्चुअली कि कोर 20% में से 80% आता है. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, बट स्टिल इसका जो एनालॉजी है कि कोर कॉन्सेप्ट्स में से जो आरटीपी है, जो एमटीपी है, जो हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है, जो बड़े चैप्टर है, जो हाईएस्ट मार्क्स चैप्टर है, उसको पहले कंप्लीट करो. आई थिंक इन दो तीन स्ट्रैटेजीज ने आपको क्लैरिटी दी होगी कि हाँ, मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, राइट. और बाकी आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा एंसिलरी चीज़ें दैट नेवर हार्म इज सोशल मीडिया से अवेयर रहना, अपने माइंड को काम रखने की कोशिश करना, अपने ऊपर भरोसा रखना, रिवाइज करते रहना, हाथों से प्रैक्टिस करना, और समय के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने की तैयारी स्टार्ट करना. विद दैट note, I would bring this video to an end and just hope that you are able to pass through. Thank you so much.